नमस्कार, आज हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी यहाँ पर देखेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। स्थानीय निवासी सूर्य देव को विरंची, नारायण और अर्क के नाम से भी पुकारते हैं। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य मंदिर को बनवाया था। इसकी आकृति विशाल सूर्य देवता के विशाल रथ के समान है। इसमें पहियों के 12 जोड़े हैं। इस रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग स्थापत्य का एक सटीक उदाहरण है। उड़ीसा राज्य में 3 महान मंदिर हैं जिन्हें मिलकर स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। ये मंदिर हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। कोणार्क मंदिर का रंग काला है, अतः इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, काला होने के कारण। जगन्नाथ मंदिर का अन्य नाम वाइट पैगोडा भी है। कोणार्क सूर्य मंदिर वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। इस मंदिर की प्रतिमा को 10 रुपए के नए नोटों पर भी छापा गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों एवं काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। महान कवि व नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है कि कोणार्क जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। तो ये कुछ जानकारी थी कोणार्क के सूर्य मंदिर से संबंधित। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।